दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज बाढ़ राहित राहत सामग्री रवाना करी, जिसको लेकर हरी झंडी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से दिखाई गई। वहीं आपको बता दें, दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि जिस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा और सत्य नेता प्रतिपक्ष राम सिंह भदौरिया ने कहा कि किस तरीके से दिल्ली सरकार काम करे, क्योंकि वो दिल्ली की जनता का कोई भी ख्याल नहीं रख रही है और इसी वजह से दिल्ली की ये दुर्दशा हो रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बाढ़ प्रभावित राहत सामग्री जो है वो रवाना करी गई है बीजेपी दफ्तर से। सर, दिल्ली में बाढ़ जैसी परिस्थिति, आज आप लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए यहाँ से सामग्री भेजी है, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में बाढ़ की हालत तो जो है वो बहुत ही विकराल रूप ले रही है, और इसीलिए हमने कल से 8 स्थानों पर अपना किचन शुरू किया है, और कल शाम से हमारे कार्यकर्ता वहाँ लगातार जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको खाना खिला रहा। सुबह भी मैं होकर आया तो सुबह 9 बजे से हमें लगे हैं। दिल्ली सरकार को व्यवस्थाएँ करनी चाहिए, उसमें विफल है, लेकिन यहाँ जो मैं कहने वाला हूँ वो और भी शर्मनाक है। आज सुबह जो हमारे कार्यकर्ता वहाँ किचन चला रहे हैं, उनको दिल्ली सरकार के अधिकारी जाके धमका रहे हैं कि हमारी मन यहाँ आना है, आप अपने प्रधारी के होर्डिंग और फोटो हटा लीजिए, अपने झंडे लीजिए। और हमने बिल्कुल सख्ती कर दिया है कि आपको राजनीति करनी होगी, मंत्री ने, हम वहाँ सेवा का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो सेवा सुशासन गरीब कल्याण का मंत्र दिया है, हम उस नीति पे काम कर रहे हैं। वहाँ गरीब लोगों को अपना खिलाते रहेंगे, कोई बच्चा भूखा न सोए उसको सुनिश्चित करेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे वो मंत्री की फोटो को हाथ लगते हैं। सर, दिल्ली के अंदर जैसी परिस्थिति आ गई, दिल्ली खतिशांस है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार हरियाणा और अन्य में जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का वो बयान ही शनाक था जब उन्होंने ये कि दिल्ली स्थिति तैयार है। मैं अरविंद केजरीवाल पूछना चाहता हूँ कि 8 साल से आप कर क्या रहे थे? दिल्ली के लोग परेशान हैं, लेकिन इनको सिर्फ राजनीतिक भ्रमण करना है। जिस दिन दिल्ली बाढ़ आई थी, ये पंचकुला में बैठ के वहाँ राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे। तो दिल्ली की सरकार अक्षम है, असफल है। अरविंद केजरीवाल और उनके पूरे मंत्रिमंडल को देना चाहिए। यमुना का तट बढ़ने अरविंद केजरीवाल हरियाणा को दोषी ठहराए। आप हर बार इनकी प्रेस में उठा लीजिए, बार जब बारिश आती है हर बार हथनी कुंड से पानी छपता है, ये व्यवहार है, और इनको मालूम था ये होना है। आपने जो नाफ करने थे, आपने जो प्री मांग के नाम पर इतना बजट बढ़ाया, वो कहाँ गए? आपकी जेबें नहीं है उसमें, आपने बिहार किया अपनी ही अपनी चोरी छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल झूठे आरोप लगा रहे हैं। सर, एक और आप लोगों पर लगा रहे हैं कि दिल्ली में महीने से अरविंद केजरीवाल और इनके नगर निगम काम कर रहा है, तो नालों की सफाई तो एक महीने में हो जाती है। पिछले 15 सालों में ऐसी तो नहीं हुई जो आज है। नगर निगम उस समय काम कर रहा था, लेकिन नगर निगम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। इसलिए अरविंद केजरीवाल, मैंने कहा, अपने ही अपना भ्रष्टाचार छुपाने झूठे आ रहे थे, उन्हें खुद मांगनी चाहिए जनता से। सर, दिल्ली के हिसाब से बाढ़ मुद्दा है, बहुत अहम इशू है। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में आते, क्या इस मुद्दे को लेकर के आप दिल्ली विधानसभा में कोई प्रस्ताव लाएंगे? ये परिस्थिति बार बनती है, दिल्ली विधानसभा में बराबर अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि बरसात आती है तो बरसात से लगभग 3 महीने पे दिल्ली में ये प्रम रही। दिल्ली में चाहे सर शीला दीक्षित जी की रही हो, डॉक्टर साहिब सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हों, श्री मदन लाल खुराना जी दिल्ली मुख्यमंत्री रहे हों, क्योंकि मैं तो पहली विधानसभा कर था, 3 महीने पहले नालों की सफाई का काम शुरू होता था। चीफ मिनिस्टर मौके पर थे, कंसर्न मिनिस्टर मौके पर जाते, मियाँ को साथ ले जाकर किन्नों की जो डिसिल्टिंग हुई है वो ठीक हुई है नहीं हुई है बाका दिखाया जाता था, और अपोजिशन के लीडर को और अपोजिशन सीनियर MLAs होते थे उनको भी मौके पर आ जाता। अरविंद केजरीवाल कभी बैठलाते नहीं, मुख्यमंत्री शीला जी मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर साहिब सिंह मंत्री थे। तो 3 महीने पहले छपी दिल्ली वाइस चेयर DDA पुलिस कमिश्नर फ्लड डिपार्टमेंट NC PW के ENC NDMC के चेयरमैन म्यूनिसिपल कमिश्नर इन सभी साथ बरसात से पहले 3-3 बैठ जाती थी, और नालों की सफाई के लिए जो धन उपलब्ध कराया जाता था बाय द मौके पर जाके देखा जाता कि नालों की सफाई हुई है या नहीं हुई। अब ये व्यवस्थित तरह से अरविंद केजरीवाल ने समाप्त की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री
यमुना में बोट के ऊपर बैठकर सैर सब कर रहे हैं और यमुना के किनारे जो बेचारे डूब गए, उनके मकान डूब गए हैं, वो तैर तैर बाहर आ रहे हैं कहीं उनको निकालने के लिए बोट्स की बनी की। मुझे एक उदाहरण दे दीजिए आप, दिल्ली सरकार जो लोग बरस के पानी में फंसे हुए हैं उनके कहीं उन्होंने बोट की व्यवस्था हो या बोट में बैठकर लोग बाहर आ रहे हों तो ये सैर सपाटे कर रहे हैं, लोग बेचारे चिल्ला रहे हैं सरकार की ओर से अब तक हमारे लिए भोजन की गई है, ना पानी की व्यवस्था की गई है, ना टेंट्स की व्यवस्था की है। तो ऐसे खराब हालात मैंने कम से कम राजनीतिक जीवन में कभी देखे नहीं। और क्योंकि मैं 93 इस हाउस मेंबर हूँ, ऐसी अव्यवस्था मैंने कभी देखी नहीं। अरविंद केजरीवाल। लोगों की मृत्यु हो गई इनकी ओर से, इनके मंत्री उन परिवार के लोगों से जाकर नहीं। दूसरी तरफ दिल्ली प्रदेश भारतीय पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में जगह जगह लोगों के लिए भोजन व्यवस्था की गई है, टेंट्स की व्यवस्था की गई है और आज भी आप देख रहे हैं दर्जनों गाड़ियां जो हैं उनको रवाना किया गया उन क्षेत्रों जहाँ लोग बेचारे संकट हैं, जहाँ लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, बच्चों के लिए नहीं है, दवाई नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था दिल्ली प्रदेश जनता पार्टी की ओर से श्री वीरेंद्र सचदेवा जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं के नेतृत्व के लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।